स्टूडेंट्स लू कैट हेयर ओपन ऑफिस डोट ओ आर जी इम प्रेस दिस इज ए प्रशन सॉफ्टवेयर इन लोअर क्लासेस देर वॉज वन टॉपिक इन योर सिलेबस एमएस पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट में यू कैन क्रिएट स्लाइड्स ओके एंड स्लाइड इन स्लाइड्स यू कैन एड मल्टीमीडिया कॉम्पोनेट लाइक मीडिया फॉर एग्जाम्पल इन एम एस वर्ड और इन राइटर वी कॉन्ट इंसर्ट एनी तो वहां पर अगर आप विडियो इंसर्ट भी करोगे कर ही नहीं सकते आपके पास ये राइट ही नहीं है इंसर्ट करने का जो आपके पास पीपीटी है प्रेजेंटेशन दीज आर फॉर लार्ज ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल एंड वी आर वी वांट टू गिव टू नंबर ऑफ़ यूज़र और यू कैन से ऑडियंस को आपने को एक प्रेजेंटेशन देनी है तो यू यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मैक्सिमम आप क्या करते एलईडी ठीक है आपने देखी होंगी बड़ी स्क्रीन लगी होती है तो स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशन देनी है तो यू यूज पीपीटी क्लियर तो पीपीटी की आपको एक जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल एट हियर we can play it in full screen like this so we, this is this feature is not available in the ms word or writer use me available this feature available hai. now whenever we open op, open office.org impress there is a one dialog box so there are some steps the ms impress is getting a

और उसमें फॉन्ट कलर भी होगा फॉन्ट का स्टाइल भी होगा एवरीथिंग इज डिफाइंड बट वेन एवर यू आर यूजिंग एम्टी प्रेजेंटेशन इट इज अ ब्लैंक जस्ट लाइक वाइट स्क्रीन इज देयर एवरीथिंग यू हैव टू डू क्लियर एंड थर्ड वन बेटा एग्जाम में भी कि इन फर्स्ट आर आर ओके. थर्ड इज ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इफ यू ऑन

आई सिलेक्ट एम टी प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन सेकेंड स्टेप स्लाइड डिजाइंस ओके बेटा नाउ अब आप कहोगे कि यहां पर एक टेम्पलेट था और नेक्स्ट में अगर मैं एम टी ले रहा हूं तो यहां पर डिजाइन है डिजाइन और टेम्पलेट में फर्क क्या है यस नो टॉकिंग इन वन वर्ड विज़ार्ड विज़ार्ड में क्या होता है बेटा यू आर गिविंग स्टेप बाई स्टेप इंफॉर्मेशन इन ए डायलॉग बॉक्स एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड जो पहले आ रहा था टेम्पलेट्स वहां पे क्या है कि सबसे पहले मैसेज uh, होगा कि योर ऑर्गेनाइजेशन नेम You fill the organization Then its address, है? और उसके ऑब्जेक्टिव uh, क्या, है, क्या है मोटिव क्या है ठीक है वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे और उसके बाद प्रशन क्रिएट हो जाएगी तो वहां वो यहाँ पे क्या है दिस इज कॉल्डलेट क्लियर बट इफ यू आर नॉटिंग समझ लो टेम्पलेट में क्या है स्टेप बाय स्टेप इट विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू and after that it will create your ppt automatically clear or if you are not selecting that then in next your designs there are two designs here dark blue yamper color schemes are yes page key colors nothing else in powerpoint there are number of designs are there but here designs are very limited two designs are there next is यूर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इंप्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी शेयर्ड इन स्क्रीन दिस इज स्क्रीन ओके इट कैन बी शेयर इन ओवरहेडेड शीट इट कैन बी शेयर इन स्लाइड इट कैन बी शेयर ओके बेटा टेलमी ओवर हेड शीट आपने कभी देखी है नाउ दिस इज नॉट फेमस नाउ आई से ट्वेंटी ईयर बैक पहले क्या होता था कि ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर प्रिंटिंग होती थी पहले आप एक प्रोजेक्टर होता था जिसे हम कहते थे ओवरहेड प्रोजेक्टर तो जैसे आपके पास स्कैनर है हम उसके अंदर पेज रखते थे और उसकी जो बिग स्क्रीन के ऊपर वॉल के ऊपर उसका इंप्रेशन आता था सीधे मतलब कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर अटैच नहीं था प्रोजेक्टर यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर विल गिव द जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी uh, स्कूल में भी थ्री रूम्स है यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो वॉल के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है ओके तो पहले क्या थे प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स नहीं थे छोटा सा एक बॉक्स होता था उसमें आप कोई पेपर रखते थे और पेपर की प्रोजेक्शन पे आ जाती थी वॉल के ऊपर उसे हम कहते थे ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन से प्रोजेक्टर बेटा ओवर वेट प्रोजेक्टर सो so, आप इन जो इंप्रेस है इसमें ओवरहेड शीट भी बना सकते हो आप इसमें स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हो आप सिर्फ स्लाइड बना के रख सकते हो मतलब डिस्प्ले नहीं करना आपने ठीक है और आप पेपर के ऊपर प्रिंट आउट भी ले सकते हो तो बाय डिफॉल्ट मीडियम इज स्क्रीन ओके सो नेक्स्ट नाउ देयर इज ए स्लाइड ट्रांजिशन बट व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन एनी स्टूडेंट व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन

नेक्स्ट इज स्पीड स्लो स्पीड मीडियम एंड फास्ट नेक्स्ट इज सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप वी नो दैट व्हेन वी आई एम सपोज आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन सो आई एम गिविंग वन लेक्चर तो मुझे नहीं नहीं पता कि ये लेक्चर वन मिनट में कंप्लीट होगा ये टॉपिक और टू मिनट्स में

four slide like this here apply current is next is after that you will have to create button so look at here same design is here now in this slide in previous lecture i discussed there, there are layouts and what is layout Yes, anybody better, including uh, online students. Jia, what is uh, layout? Layout means uh, the placement of different objects on a slide. Suppose, look at here. This is a blank slide. Blank slide means there is no any component here. Second one is one title and content. ठीक है दिस इज योर प्लेस होल्डर ये जो आपके पास जहां पे लिखा हुआ है क्लिक क्लिक टू एड टाइटल यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आई कैन टाइप समथिंग दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर ओके डिफरेंट यूर लेआउटर सो यू कैन सेलेक्ट हेयर दिस वन तो हेयर यू कैन इंसर्ट टेबल वी कैन इंसर्ट चार्ट वी कैन इंसर्ट पिक्चर वी कैन इंसर्ट एनी वीडियो so this is your first screen and uh, in last lecture we have already discussed different components this is your uh, title bar in title bar there are control buttons are there in title bar there is a name of the file with the software name the software conservator open office.org impress and by default file name is untitled one untitled two tell me um, by default फाइल फाइल्स आर सेव्ड इन विंडो बाई डिफॉल्ट फाइल्स कहां पर सेव होती है कौन तो से फोल्डर में माई डॉक्यूमेंट ठीक है माई डॉक्यूमेंट इज ए प्रेजेंट आईम इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ओनली तो बाई डिफॉल्ट फाइल्स आर ऑलवेज सेव्ड इन डॉक्यूमेंट क्लियर है यहां तक कैन ई डाउट हेअर सो नाउ स्टूडेंट्स आपने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक आगे स्क्रीन क्विकली अप्लाई दिस बेटा यहाँ तक आ जाओ सिर्फ आपने ट्रांजिशन आपने लेआउट सिलेक्ट करनी है ठीक है कर लिया आपने सिलेक्ट नाउ क्लिक ऑन दीज आइकन्स एंड इंसर्ट द ऑब्जेक्ट ठीक है सपोज आई क्लिक ऑन इंसर्ट मूवी सो लुक एट हियर

न इंसर्ट पिक्चर पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे यू सेलेक्ट द पिक्चर फॉर्मेट होना चाहिए उसी फॉर्मेट में ठीक है देन यू कैन इंसर्ट टेबल हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम यूनिट यू कैन टाइप द डाटा हेयर सो अप्लाई दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट so hi, here so look at here one slide is here if you want to insert a new slide what you will do

पोज uh, इस स्लाइड में मैंने uh, यहां पे कमेंट लिख दिया पिक्चर टेकन फ्रॉम ट्रिब्यून एंड डेट सो बेटा दीज नोट्स आर नॉट फॉर ऑडियंस ये किसके लिए होते हैं फॉर क्रिएटर मेरी रेफरेंस के लिए ठीक है मैंने लिख दिया कि ये, ये जो मैंने पिक्चर यूज की है यहाँ पे ये मैंने ट्रिब्यून से जो एटीन अप्रैल टू थाउजेंड की ट्रिब्यून थी उसमें से ये मैंने पिक्चर पिक किया रेफरेंस के लिए जस्ट like. so लाइक तो दीज आर कॉल्ड नोट्स इन नोट्स व्यू अगर आपने कोई इन नोट्स लगाए हुए हैं तो नोट्स व्यू होते हैं ठीक है अगर मैं नॉर्मल व्यू शो करूं नोट्स नहीं आएंगे आउटलाइन में नोट्स नहीं आएंगे इफ आई क्लिक ऑन नोट्स

सिक्स की जगह फोर ले सकते हो सिक्स की जगह टू ले सकते हो सिंगल भी ले सकते हो सिक्स ले सकते हो नाइन भी ले सकते हो तो हैंड आउट व्यू इज यूज फॉर गेटिंग द प्रिंट आउट क्लियर नॉर्मल व्यू इज यूज फॉर क्रिएटिंग द स्लाइड आउटलाइन व्यू इज यूज टू डिस्प्ले ओनली टाइटल एंड सब टाइटल नोट्स व्यू इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द स्लाइड अलोंग विद एक्स्ट्रा नोट्स उट इज यूज फॉर फॉर प्रिंट आउट एंड स्लाइड मनी एचर वे में होती है ठीक है आगे पीछे कर सकते हो स्लाइड का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो स्लाइड को डिलीट कर सकते हो आई इफ आई सिलेक्ट द्लाइड एंड प्रेस डिलीट की स्लाइड हो जाएगी यू कैन इंसर्ट न्यू स्लाइट इफ आई राइट क्लिक्लिक ऑन न्यू स्लाइट आई कैन इंसर्ट न्यू स्लाइट क्लियर हो गया जहां तक यू दिगार्डिंग प्रिंट मीन इन वन पेज हाउ मेनी स्लाइड यू वॉन्ट टू गेट प्रिंट आउट ठीक है इट मे बी सिक्स मे बी फोर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ठीक है आप टाइमिंग सेट कर सकते हो टाइमिंग ठीक है हियर स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो इट इज लाइक वे स्लाइड शॉर्टर व्यू सो इन ब्रीफली आई एम सेबल टोटल Four views. Normal view, outline view, notes view, handout view, and slide sorter view. Concept is clear. Now here. Uh, now I am giving you one idea regarding uh, uh, how you can set the. Uh,

so look at here two slides are here okay i am going to insert a third slide so now in a slide show menu there is slide transition okay slide transition means animation in between two slides one when slide change from one slide to second slide. There is a very small animation in between the gap at Gammick Chotisi animation You will have to click on slide transition. So look at here different transitions are here in task pan रैंडम ठीक है शेप प्लस शेप डायमंड शेप सर्कल बॉक्स बॉक्स इन ठीक है डिफरेंट ट्रांजेक्शन आते हैं। अब उसके नीचे यू विलेक्ट यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस एंड सेकंड, स्पीड स्पीड ऑफ योर ट्रांजिशन, स्लो मीडियम Fast. Then sound. If you need sound during this uh, transition, so if you select here uh, sound, so you uh, there are different options are there, different uh, sounds are there. Okay. You can ignore this. Now look at here. No, any talking. Next is. Whether you want to make your transition on mouse click on mouse click it means automatic. When I will have I press left button of your mouse or arrow key of your keyboard, then I go to the next slide. But in case I want automatic, look at your automatic after 10 second. and there is one button otherwise it is applicable on only, only on current slide. मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है इफ यू क्लिक ऑन ऑल स्लाइड्स इट मीनस दिस ट्रांजिशन विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल स्लाइड्स आई क्लिक ऑन ऑल स्लाइड्स नाउ फॉर प्लेइंग योर स्लाइड्स ऑन फुल स्क्रीन देयर इज स्लाइड शो एंड स्लाइड शो और प्रेस एफ फाइव ठीक है स्लाइड शो मेन्यू में क्लिक करो स्लाइड शो और एफ फाइव प्रेस कर दो तो. So wait for your 10 second, it will shift it to the next slide automatically. So look at here. No any manual work is here. Students concept is clear. This is your slide transition. So slide transition is just uh, animation in between two slides <coughs> uh, press uh, escape button <coughs> uh, you can play these slides by clicking on play button here. look at here. इन स्लाइड ट्रांजिशन देर इज ए प्ले बटन स्लाइड शो बटन ये सारे है यहाँ पे यहां से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो नाउ नेक्स्ट इज नाउ आई सिलेक्ट वन पिक्चर

डिफरेंस बिटवीन स्लाइड ट्रांजिशन एंड कस्टम एनिमेशन कस्टम एनिमेशन इज ऑलवेज ऑन ऑब्जेक्ट लाइक इमेजल ठीक है अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगा रहा हूं इट इज कॉल्ड कस्टम एनिमेशन इफ आई एम सेटिंग दी एनिमेशन इन बिटवीन टू स्लाइड्स दिस इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन ओके सो लुक स्लाइड शो

देयर इज मोशन मोशन पाथ पाथ में आप क्या करोगे एक पाथ बनाओगे लुक एट हियर आई सेलेक्ट फ्री हैंड लुक एट हियर फ्री हैंड आई सेलेक्ट हियर ड्रॉ द लाइन ये देखो लाइन की नहीं मूव करेगा इतना फास्ट हो रहा है तो क्योंकि इसमें आप करके देखना बेटा जिस लाइन जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे उसी के में मूवमेंट होगी उसकी लुक एट हेयर देयर इज मिसलेनियस देयर इज इंफेसिस मींस यू इट विल साइज विल बी इनलार्ज और रिड्यूस ठीक है इस तरीके से बनेगा आपके पास

यहां तक क्लियर है देर आर देयर ये एनिमेशन ऑन क्लिक चले या अपने आप जैसे प्रीवियस के साथ अगर प्रीवियस मीन्स अगर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है उसी के साथ चल पड़े और आफ्टर प्रीवियस दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद चले तो ये आपके पास ये अप्लाई करोगे तभी आपको तो क्लियर होगा एंड दिस इज ऑटोमेटिकली इट विल बी अप्लाइड क्विकली मेक दिस वेटर Insert an image, apply custom animation on that. Online students, any doubt here?